तो गाइस यार स्वागत है टुडे भी जमाई को उलाला उलाला गेम प्ले में। अरे भाई साहब आज पहले आपका भाई का प्लान क्या उतरते हैं आज लूट कर लेने, क्योंकि साले अगर लूट चौकस नहीं रहेंगे तो बंदे साले चौकस नहीं मिलेंगे। और लूट एकदम चौकस करके इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि अगर आप एन मौके पर अगर कभी शहीद हो जाओ, जैसे कि हम हमेशा होते रहते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं होते साले किए जाते हैं, नहीं अपनी मर्जी से होते हैं, क्यों अपनी तारीफ हम अपने मुँह से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, साला पोचिंकी बहुत बड़ा है। तो यार जैसे भी हम मरते हैं तो अगर हमारे पास लूट अच्छी खासी नहीं रहेगी तो साला बंदा सामने वाला लूटने आएगा तो वो भी चार गाली देके जाएगा कि बेफालतू कमारा हमने। तो इसलिए गाली सुनने से अगर बचना है हमको, क्या हमको तो आदत है, हम तो सह लेते हैं, लेकिन यार आप नहीं सह पाओगे हमको पता है। तो एक काम करो कि आप लोग अच्छे से लूट वूट कर लो, आज हम भी अच्छे से लूट कर रहे हैं क्योंकि हम ये सारी आदतें छोड़नी चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी ख़राब आदतें हैं, गाली सहना, दूसरे की सेटिंग भगा ले जाना, ब्रेकअप करवाना, लड़ाई झगड़े करवाना, ये सारी आदतों को हम त्यागना चाहते हैं, लेकिन साले हमारी बुरी आदतें हमें छोड़ के जा ही नहीं रहे। अब हमें मन कर रहा है कि हम इनको छोड़ के चल जाएँ। तो सारी चीज़ें होंगे बहुत क्लियरली होंगी, इसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं गाइस, बस आप एक काम करो सब्सक्राइब कर दो ज़बरदस्ती, ठीक है, और वीडियो देखो ज़बरदस्ती। और एक चीज़ बता दूं कि पेटी वेटी लूटना बहुत अहम होता है, और अगर आपके पास अच्छी लूट नहीं होगा तो साले सामने वाले आके पेटी लूट के गाली भी देके जाएंगे। तो अगर गाली वाली सुनने से बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करिए, अच्छा से पेटी लूटिए, सावधानी से रहिए, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्लाइम अलर्ट देखा करिए रोज रात को, अगर नहीं देखते हैं तो हमारे साथ बैठ के देखो, बहुत अच्छा सिंधी उसमें चलता रहता है, वैसे वैसे सिंधी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसी के साथ 3x मिल गया, क्योंकि अगर बंदा हमारे जैसे प्रो प्लेयर को मारता है जो हमेशा जिगल कर दे दे के फाइट करता है भैया, तो उसकी 20 से 25 गोलियाँ ज़्यादा गोलियाँ नष्ट होती है, तो अगर वो अपनी गोलियाँ नष्ट करके आपको मारता है तो उसको दुख होगा। तो चलो फटाक से साले यहाँ पे बंदे नहीं, ओ भैया यहाँ पे हमको बॉट दिखा है, अबे साला इसको तो हम, अबे साला ये तो बॉट नहीं था, अबे यार गाइस कभी कभी जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, हमने पिछले वाले एक बंदे को हमने बॉट समझ लिया क्योंकि साला कभी से बॉट फायरिंग देते जा रहा था, तो हमने सोचा कि कोई बॉट आया, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम उतरे हैं मिल्टा पे, और मिल्टा पे इस बार हम उखाड़ के जाएंगे सबका और अपना बचा के, नहीं तो साले हमारे भी उखाड़ने के पीछे सब दौड़ते रहते हैं। और यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे बेकरी वाले हाउस में, साले यहाँ पे उतरते हैं, हमको एक भी गंदू को अबे यार मिलती नहीं साले, ग्रहण लग के बैठे हुए नक्षत्र में, किस नक्षत्र में पैदा हुआ हमको ये भी समझ आता है, साले जब लूटे तो बंदूक नहीं मिलेगी, एक स्मोक जरूर मिल जाए, और साले कौवे हमारे दिमाग पे काँव काँव कर रहे हैं, इनको तो भगाना जरूरी है यार। गाइस थोड़ा सा आप सेटिस्फाइड होना, क्या कहते हैं इसे, कौवा की आवाज़ से सेक्रीफाइस करना, थोड़ा सी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर सी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, ट्रेनिंग इस समय चल रही है सारी चीज़ों की, हम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। और गाइस अभी मैंने आपके लिए मतलब मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूँ कि अपने रिकॉइल कैसे कंट्रोल करें, तो चलो वो शॉर्ट वीडियो बनी है, आप जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, अगर अच्छा ना लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो गाली मत देना। अब सामने एक बंदा है साले, इसको तो हम ही मारेंगे गाइस, यहाँ पे बहुत क्लोज रेंज की फाइट चलने वाली, यहाँ पे सामने एक बंदा है, देखो इसको हम कैसे क्लोज रेंज में जाके मारते हैं, इसे जिगल कर करके जाना पड़ता है, तो साले अगर बंदा हो जाएगा तो आपका जिगल मार देगा, तो इसके जिगल दे दे के मारना बंदा है साला, कितना प्रो बंदा है गाइस, आपके भाई कितने प्रो बंदे से लड़ाई कर रहा है। और यार एक कांड बता दूँ साले, हमारे कोचिंग के लड़के जो हमारे ट्यूशन के लड़के हैं, जो हमारा कोचिंग का नाम है BGMI सबका फाड़ के रख देंगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, साला वहाँ के हमारे जो लौंडे हैं आज 30 से संख्या 20 करके रखी है हमने, 10 को हमने बाहर निकाल दिया। अब बात ये हुआ कि हमने पूछा कि अच्छा बताओ बच्चों, इस दुनिया में बहुत से अजूबे पड़े हुए हैं जिसमें से 8वां अजूबा तुम्हारा टीचर है यानी कि मैं, तो बताओ बच्चों कि अगर हमारे दुनिया में 8 अजूबे हैं तो BGMI में सबसे चूतिया प्लेयर कौन है जो कि बहुत चूतियापा करता है, तो वो कह के सर अगर बताएंगे तो आप हमें मारेंगे। मैंने बोला तुम सीधे सीधे बताओ, हम नहीं मारेंगे, खैर सारे आप, अब साला हमारा दिमाग फिर गया और यहाँ पर हमने इस बंदे को मार दिया, इसी के साथ हमारा मन कर रहा है उलाला इमोट करने के बाद कर लें। तो भाई साहब यहाँ पे इमोट सिमोट बहुत चौकस हो गया, साला बंदा यहाँ पे बॉट था ये भी गया, और प्लेयर था बॉट नहीं था। अब साला सामने से हमको एक बंदा दिखाया, उसको देखो हम कैसे क्लोज रेंज में फाइट लेंगे गाइस, ऐसे छुप छुप के फाइट लेनी पड़ती, देखो सामने से आ रहा है छटकता हुआ, गोलियाँ मत चलाइए, मैं तो साला मूर्ख ठहरा यहाँ पे, गोलियाँ चलाऊँ मेरे क्लास के लड़के मेरी आधी बेइज्जती कर गए सारे, हमें आधी जवानी में पागल बना के छोड़ेंगे, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और चलो फटाक फटाक के आगे चलते हैं, साले को देखो छुप छुप के कैसे मारेंगे हम। अब आप बोलोगे कि भाई तुम छुप छुप के क्यों नहीं मारोगे, अगर ओपन में जाके मारेंगे तो साले हमारी मार के रख देंगे, इसीलिए छुप छुप के मारना बहुत नेसेसरी हो गया है हमारे जैसे प्लेयरों के लिए। और साला छत, अबे साले कहाँ से मारा है, अबे भाग, अबे भाई, अबे भाई साला छत पर चढ़ गया, अबे अबे यार कैसे बचें, साली हेल्थ बढ़ाते हैं अपनी, हेल्थ बढ़ाओ, अबे साली इसको गोली भी एक भी नहीं लगेगी, अपनी हेल्थ बढ़ा लेते हैं भाई साहब, नहीं तो साला हमें ठोक के चला जाएगा यहाँ से। और नीचे से एक बंदा जा रहा है साली के, मार ले साले हम बच जाएंगे, थोड़े से मार ले उसके, तू भी मजा ले ले भाई, ये कोई बात नहीं गाइस, तुम्हारा भाई काफ़ी अच्छा इंसान है, मरेगा तो अपनी मर्जी से मरेगा, नहीं तो ऐसे मरेगा नहीं।